بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پلس ٹو ایم این پلس این از ایکول ٹو 49 اس کوشچن کو سولو کر کے ایم اور این کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے کنڈیشن کیا دیا ہے کہ ایم اور این ہمارے پاس پازیٹیو انٹیجر ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں لکھ دیں گے ایم پلس ٹو ایم این پلس این इज़ इक्वल टू 49। फिर क्या करेंगे दोनों साइड के साथ टू को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ भी टू को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ भी टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ टू इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जाएगा टू एम प्लस फोर एम एन प्लस टू एन इज़ इक्वल टू ان سے 98۔ پھر کیا کریں گے دونوں سائٹ کے ساتھ 1 کو ایڈ کریں گے، یہاں لکھ دیں گے 2m پلس 4mn پلس 2n پلس 1، اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی ایڈ کریں گے تو یہاں جائے گا۔ پھر کیا کریں گے ان سے 2m کو کامن لے لیں گے، यहाँ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस इनसे 1 को कामन ले लेंगे, यहाँ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 99। फिर क्या करेंगे इनको इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2m 2n प्लस 1 प्लस 1 टू एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू 99। फिर क्या करेंगे 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे जबकि दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे किसको 2m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 99। फिर क्या करेंगे गिवन कंडीशन हमें दिया है कि एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है ना, फर्ज का इधर 1 होगा तो इनसे क्या आएगा 3 आएगा, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी या 3 से ग्रेटर होगी। इधर भी इस तरह होगा, इधर भी एम की जो वैल्यू होगी वो 3 से ग्रेटर होगी या 3 के बराबर होगी। इनके फैक्टर लिखते हैं 99 के, तो एक बनता है 99 मल्टीप्लाई 1 और बनता है 1 मल्टीप्लाई 99 और बनते हैं 33 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 33, इसी तरह 11 मल्टीप्लाई 9 इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ देख पहले ये फैक्टर नहीं है, इनके मुताबिक देखेंगे 1 तो इनसे क्या है लेस है तो इनको भी रिजेक्ट करेंगे, इधर भी ये इनसे लेस है तो इनको भी रिजेक्ट करेंगे, तो इनको चार इन्हीं फैक्टर इनको लेंगे। सबसे पहले इनको ले लेंगे 33 के बराबर और इनको 3 के बराबर, तो यहाँ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 33 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ 2n लिख देंगे इज इक्वल टू 1 को इस साइड पर लाएंगे और 33 से माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 32। फिर क्या करेंगे दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 16। इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2m ए वन नहीं प्लस 1, इनको साइड पर लाएंगे और 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2। फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ एम की वैल्यू आ जाएगी, एम इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे इनको ले लेंगे 3 के बराबर और इनको 33 के बराबर, तो यहाँ जाएगा 2 एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3
इसी तरह 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 33, तो यहाँ भी 2n लिख देंगे, ये प्लस 1 नहीं है, n को इस साइड पर लाएंगे, 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर क्या करेंगे, ये प्लस 1 नहीं ये वाला, यहाँ लिख देंगे 2m और ये प्लस 1 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे 32, 33 से माइनस करेंगे यहाँ 32 आएगा, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 16। अब क्या करेंगे, इनको ले लेंगे 11 के बराबर और इनको 9 के बराबर, यहाँ तो यहाँ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसी तरह 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2n लिख देंगे इज इक्वल टू प्लस 1 के साइड पर लाएंगे और 11 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह इधर भी 2m यहाँ लिख देंगे, ये प्लस 1 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे और 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह यहाँ इनको ले लेंगे किसके बराबर, 9 के बराबर और इनको 11 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ क्या करेंगे, 2n को लिख देंगे, ए प्लस 1 इनके साइड पर लाएंगे, 9 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह इनको भी करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2m, ये प्लस 1 नहीं है, इनको इस साइड पर लाएंगे, 11 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर m हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है तो n 16 के बराबर होगा। इसी तरह अगर m हमारे पास 16 के बराबर है तो n 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर m हमारे पास 4 के बराबर है तो n 5 के बराबर होगा। इसी तरह अगर m हमारे पास 5 के बराबर है तो n 4 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।